हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि सूरत में जो कच्चा माल पक्का कैसे बनता है और पेंडल, बूस्टर, टेंशन पाइप हर एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। ये जो देख रहे हो ये सब कॉप्स लगा हुआ है, वो ढागा देख रहे हो, ढागा चलता होगा, वो कैसे चलता है, पेंडल क्या है, बूस्टर क्या है, टेंशन पाइप क्या है, पूरा आज बराबर आपको समझाऊंगा। चलो देखते हैं वो कैसे चलता है। हेलो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और जो सफ़ेद धागा दिखता है कच्चा वाला माल, इसको कॉप्स कहते हैं। जिसको मैं पकड़ा ये कॉप है, और जो पकड़ा ऊपर जो है टेंशन पाइप। आज पूरा का पूरा आप लोग मैं समझाऊंगा। अभी कॉप को निकालना है टेंशन पाइप के साथ। ये जो है देखते हुए पेंडल है, ये ऊपर का ये कटोरी कहते हैं इसको, ये घूमता नहीं है, ये अभी नीचे चलता है वो पट्टा है, और पट्टा घुमाता है पेंडल को, मगर इसको नहीं घुमाता है क्योंकि अंदर जो पकड़ा हुआ मैग्नेट है काला वाला, और जो कटोरी है उसमें भी एक मैग्नेट है, मतलब चुंबक है, वो दोनों अपने तरफ वो अट्रैक्टिव करता है और वो घूमने नहीं देता है। और जो नीचे घूमता है वो है पेंडल, ये घूमता है और कच्चे माल को पक्का करके ऊपर छोड़ता है। ये पेंडल है और ये कटोरी है, ये घूमता नहीं है, ये घूमता है, देखो कैसे घूमता है। और नीचे वो घूमने की वजह से जो कच्चा वाला माल पक्का होके ऊपर चलता है। अभी आप लोग मैं बराबर समझाऊंगा वो पेंडल में कैसे कॉप्स चलता है और कैसे। चलो मैं हाथ पकड़ के आपको दिखाता हूँ। देखो तो हाथ से पकड़ा वो रुक गया, वो घूम रहा, जो पट्टा घूमता अंदर है ना, वो पूरा का पूरा पेंडल को घुमा रहा है। इधर से देखो ये जो मोटर है ना, ये पूरा पट्टा को घुमाता है, इसकी वजह से ऊपर चलता है। चलो अभी पेंडल के बारे में समझाता हूँ तो पेंडल कैसा है। ये देखो एक बेरिंग अंदर है, दो बेरिंग है, जो पकड़ा है वो बेरिंग है, और ये पेंडल है, इधर होल है और अंदर होल है इधर निकलने के लिए। ये कटोरी है, इसको जो बेरिंग का ऊपर डाल के दबा दिया तो रो गया। देखो और पेंडल घूमता है मगर कटोरी घूमता नहीं, क्योंकि कटोरी की पकड़ लेगा तो वो नहीं घूमेगा, वो बेरिंग की वजह से वो रुकता है। और इसमें होल है अंदर निकालने के लिए, वो वायर में वायर डाला तो इधर निकला है। अब आपको मैं पेंडल समझा रहा हूँ तो पेंडल कैसा है और मशीन में कैसा लगेगा पूरा का पूरा समझाऊंगा। जो लोग काम करना आएगा इनको ये समझने का ज़रूरत नहीं है, वो बाद में उनको पता चलेगा, मगर मैं आपको कैसा मशीन के बारे में समझाता हूँ, वो पेंडल क्या है, बूस्टर क्या है, सब कुछ समझाऊंगा। ये देखो ये है बूस्टर है, इसको फिटिंग वाला बना के गया है, अंदर डाला, नीचे से उसका बोल्ट है। चलो देखते हैं, ये देखो नीचे बोल्ट लगा के उसको टाइट किया गया, पूरा का पूरा मशीन में जितना पेंडल है सबको टाइट किया गया है, वो हिलने वाला नहीं है। ये देखो पूरा का पूरा, और बातों में जो आवाज़ आता है वो कंपनी की वजह से आवाज़ थोड़ा आता है, हम माफ़ कर देना। देखो ये जो बूस्टर है उसमें भी होल है, उसके अंदर ऑयल डाला जाता है, उसमें अंदर ऑयल भी है, इसका अंदर ऑयल है। ये देखो हर सेक्शन में नौ कॉस में एक सेक्शन है, और ये जो घूम रहे अंदर ना उसको पुल्ली कहते हैं। देखो ये पुल्ली, ये पुली के वजह से तो पट्टा हर पेंडल में घिसता है। ये देखो हर पेंडल में घिस घिस के चलता है और कच्चा वाला माल पक्का बन के ऊपर चलता है। ये देखो हर पेंडल में चलता है घिस घिस के, सब पेंडल को घुमाता है वो पट्टा, 15 सेक्शन, 18 सेक्शन, 20 सेक्शन, हर सेक्शन में 9 कॉप्स है। देखो ये नीचे सब टाइट किया गया है और घूमता है, और उस तरफ देखो, इस तरफ देखो, हर मशीन में दो दो मोटर है, एक नीचे है एक ऊपर है। ये देखो अब हम इसमें पेंडल डालेंगे। देखो ये देखो ये जो घूमता है वो पेंडल है, अब उसमें हम डालेंगे। ये घूमने के वजह से कच्चा वाला माल पक्का होता है, वो डालने से पहले चलो थोड़ा देख लेते हैं वो पेंडल कैसा है। ये देख लो ये पेंडल का अंदर भी वो बाहर निकला हुआ है, उसका अंदर हो जाएगा, ये पेंडल में गया, अब वो घूमने लगा, नीचे में घूमने लगा, मगर ऊपर का कटोरा नहीं घूमता है कटोरी, क्योंकि भीतर एक चुंबक है, हाथ मारेगा तो उल्टा काट देगा। ये देखो हाथ में लगाया वो रुकना रुक गया, घूमना बंद हो गया, अब फिर चलने लगा। जो ये अंदर एक चुंबक है, मतलब मैग्नेट है, और जो कटोरी है उसमें भी एक मैग्नेट है। चलो देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक चुंबक मैग्नेट कहते हैं उसको, और इसमें भी एक चुंबक है अंदर, देखो ये वाला जो अंदर थोड़ा सा है ये एक चुंबक है, वो दोनों चुंबक एक साथ सीधे रहते हैं, इसके लिए उसको अट्रैक्ट करता है, मतलब अपने तरफ खींचता है, इसके लिए वो घूम नहीं पा रहा है, उसको घुमाने नहीं देता। और नीचे का जो पेंडल है वो बेरिंग की वजह से
वो घूम रहा है और कच्चा वाला माल पक्का बन के ऊपर चलता है। कैसे चलता है चलो हम भी उसको भी दिखाते हैं। ये देखो टेंशन पाइप है, वो कॉप्स का अंदर जो जाता है। देखो ये टेंशन पाइप मतलब जो ढाका जाता है वो ढीला जाएगा तो बराबर नहीं चलेगा, रोला भर जाएगा, उसको टेंशन देना पड़ता है। हर चार चार छेरा डाला गया है, पाँच पाँच छेरा है, ऊपर एक नीचे चार, छः नंबर वाला छेरा डाला गया। और ये पतला माल मतलब 30 नंबर का माल है, 30-30 का माल। ये है इधर अंदर होल है नीचे निकलने के लिए, ये पेंडल है और ये कॉप्स है। देखो कॉप्स का अंदर डाला, पेंडल लेके इधर डाला, अब ब्रेक में उसको पकड़ेगा, हाथ में तो नहीं पकड़ेगा, कोई भी तार कटेगा कॉप्स खाली हो जाए उसको ब्रेक में पकड़ते हैं, ब्रेक कहते हैं और पकड़ भी कहते हैं। पकड़ में पकड़ लिया, अब उसको तार निकलेगा, रिंग है उसके ऊपर, रिंग का अंदर भी डालना पड़ता है। और उसके बाद टेंशन में भी डाला, टेंशन में भी अंदर से जाके वो पेंडल में निकला, आपको देखा था किससे होल है और उसका ऊपर गया। अब उसको छोड़ेगा, जब ब्रेक लगाया उसको छोड़ देगा तो घूमने लगेगा। अब अभी नहीं घूमेगा क्योंकि उसका नीचे ब्रेक लगा दिया है। अभी उसके बाद ऊपर गंठी मारेगा, ये देखो ये गंठी मारा और उसको छोड़ दिया, ये देखो अब घूमने लगा। अब जो रोला डालता है ऊपर गंठी मार के ये कैसे घूमता है, देखो एक पिन है रोला का अंदर जाता है पिन, ये डालने के बाद उसको ऊपर मशीन में रख देते हैं तो ये घूमने लगेगा, स्टैंड है उसको घूमेगा। चलो देखते हैं कैसे कारीगर लोग आरिया मारते हैं। अब तो आप लोगों में देखा लिया पूरा का पूरा, अब देखाना का है कैसे वो लोग तार लगाते हैं। एक ही प्रोसेस, जो कारीगर नया आएगा काम सीखेगा वो इसी को ही सीखने का है, एक मिनट का काम सीखना है। देखो वो आएगा कॉप्स लगाएगा, रिंग में डालने के बाद हाँ वायर डाल के उसमें एक गंठी मार के नीचे से खींचेगा और फिर वो आंटी में डालेगा। वो जो आंटी में डाल के निकलता है जो छोटा सा है वो आंटी है। उसके बाद धागा निकाल के देखो धागा कैसे गंठी मारता है, ये गंठी मारा इसको छोड़ दिया। वो TFO कारीगर जो आएगा इतना ही उसको करना पड़ेगा, पहले इतना प्रैक्टिस हो जाएगा बराबर लगा पाएगा तो उसका काम हो गया। ये देखो फिर नया कॉप लिया, देखो कैसे डालता है, मैं दिखाने के लिए वो डाल रहा है, नहीं तो चलो आगे देखते हैं। फिर रिंग में डाला, फिर टेंशन पाइप में डाला, उसको वायर कहते हैं जो लंबा सा डालता है उसको वायर कहते हैं, वो प्लास्टिक का है। ये देखो फिर आंटी में डाला, आंटी से निकाल के रोला में गंठी मारेगा, इतना ही काम है TFO का। मतलब उसके बाद जो आप लोग जो पेंडल दिखाया वो धीरे धीरे सीख जाएगा सब कुछ, मगर मतलब पहले इतना ही सीखना है। अभी देखो दोनों कारीगर कैसे काम करते हैं, मशीन तो लोडिंग हो जाता है मगर थोड़ा थोड़ा आरिया मारने के लिए लगते हैं। मतलब एक साइड में खराब वाला लगाते हैं, वो खाली होता है तो उसको लगाते हैं, बीच अंदर वाला कोई खाली होने वाला नहीं है, सब एक साथ खाली होते हैं, एक साथ लोडिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ।